कितना अच्छा दृश्य है यार। पूरी सब्जी हो सब्जी मिलेगी तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस वक्त मैं हूँ जयपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और आज की यात्रा होने वाली है अपनी बहुत खास, वो भी स्पेशल ट्रेन में। ये हमारा वलसाड़ साइड का लोकोमोटिव ट्रेन नंबर 09092 जो कि हिसार से उधाना यानी सूरत तक के लिए दोस्तों चलती है और एक स्पेशल ट्रेन है यार दोस्तों, जो कि गर्मियों की छुट्टी में या स्पेशल समर ट्रेन बोल सकते हैं उसमें चलती है। ये खड़ी है यार ट्रेन, देख सकते हैं हमारी समर स्पेशल ट्रेन जिससे हम लोग आज जयपुर से रतलाम तक की यात्रा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रति गुरुवार को चलती है रात को 12:15 पे दोस्तों, मतलब बुधवार की रात को। हाँ, कन्फ्यूज मत होइएगा, रेलवे के टाइम अनुसार रात की 12 बाद अगला दिन लग जाता है, तो यानी गुरुवार को रात को 12:15 पे हिसार से निकलती है और उधना अगले दूसरे दिन में पहुंचती है 12:05 पे रात की। खाली है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेन गर्मियों की छुट्टी में 9 मार्च 2023 को चालू हुई थी और 29 जून लास्ट रहेगा इस ट्रेन का रन। तो दोस्तों, ये है जनरल कोच की स्थिति यार, देखें पूरी खाली है, देख सकते हैं। मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है कि जनरल डिब्बा इतना खाली रहेगा यहाँ पे और आराम से हम लोग यात्रा करने वाले हैं फ्रेंड्स जयपुर से रतलाम तक की दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जयपुर से 7:18 पे निकली हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से दोस्तों। इधर जयपुर चेन्नई खड़ी हुई है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 का नज़ारा देखें फ्रेंड्स। अच्छा दृश्य है यार, इधर मेट्रो स्टेशन ऐसा कुछ नजारा यार देखते हैं। और ये जयपुर मेट्रो काफी बढ़िया है यार, काफी बढ़िया। गोमती नगर जयपुर, दुर्गापुरा। जयपुर से 7 की दूरी तय करने के बाद देख सकते हैं यार फ्रेंड्स, ये आ गए हम लोग पहला स्टॉप हमारा दुर्गापुरा यार। और जयपुर से इसकी स्पेशल बात ये है कि यार जयपुर से रतलाम के बीच में मात्र इसके 3 ही हॉल्ट हैं, पहला दुर्गापुरा ये जो खुद है, उसके बाद सवाई माधोपुर और तीसरा कोटा, चौथा स्टेशन यहाँ का रतलाम ही लगाती है फ्रेंड्स। तो ये है स्पेशल गाड़ी, इसके फ़ायदे भी हैं यार अच्छे अच्छे, क्योंकि जनरल डब्बा पूरा खाली है हमारा, आराम से जाएंगे दोस्तों। भोपाल जोधपुर
चौथ का बरवाड़ा में रोक दी गई हमारी गाड़ी को अभी। और अभी आपने देखा भोपाल जोधपुर का क्रॉसिंग था यहाँ पे, और शायद पीछे से कोई ट्रेन आ रही है यार। अभी जो आपने क्रॉसिंग देखा ये थी भगत की कोठी बिलासपुर। तो इस ट्रेन के रूट की बात की जाए तो हिसार से निकल के भिवानी जंक्शन, रेवाड़ी जंक्शन होते हुए रिंगस, और रिंगस से जयपुर होते हुए हम लोग पहुँचेंगे सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से कोटा होते हुए हमारी ट्रेन रतलाम के रास्ते आगे वडोदरा होते हुई सूरत के लिए निकल जाएगी दोस्तों। तो ऐसा कुछ रूट है हमारी ट्रेन का, और ये हमारी ट्रेन चौथ के बरवाड़े पे 45 मिनट रुकने के बाद यार अब ये देवपुरा में भी रोक दी गई यार, नेक्स्ट ही स्टेशन था। ये था क्रॉसिंग, क्योंकि सिंगल लाइन की पट्टी है हमारी, इस कारण इस ट्रेन के लिए हमारी ट्रेन को रोका गया था यहाँ पे यार। तो फ्रेंड्स दूसरा क्रॉसिंग होने वाला है, आपको बताता हूँ। लगातार दूसरा क्रॉसिंग फ्रेंड्स देवपुरा रेलवे स्टेशन पे। सवाई माधोपुर अवध एक्सप्रेस दोस्तों। पूरी सब्जी, पूरी सब्जी मिलेगी दोस्तों यहाँ पे, बढ़िया से पूरी सब्जी मिल जाएगी आपको, अच्छा खाना। करेक्ट 11 बजे ये आ चुके हम लोग सवाई माधोपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे दोस्तों, और सवाई माधोपुर एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से मेन लाइन पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। आगरा कोटा वाली जो मेन लाइन है उस पे आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और यहाँ की प्रसिद्धि की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है दोस्तों, जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। और कुछ ऐसा है यार हमारा सवाई माधोपुर का नज़ारा। और इसके बाद यार फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो लोको है रिवर्स होगा। तो यार दोस्तों अभी ट्रेन ने हमारी जो है काफ़ी डरा दिया यार, आगे की ओर बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे इसका लोको रिवर्सल है, ये आगे से पीछे की ओर लगने वाला है, लेकिन ये आगे बढ़ गई यार, काफ़ी टाइम तक आगे चली तो सब में भगदड़ मच गई यात्रियों में, ये कहाँ आगे जा रही है यार। 11:37 पे ये निकल चुकी है हमारी गाड़ी सवाई माधोपुर से यार। जयपुर लाइन जाते हुए दोस्तों एक बजे ये आ चुके हम लोग कोटा जंक्शन, देख सकते हैं यार कोटा का नज़ारा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमें लगाया है, यहाँ से हम लोग सीधे बूंदी होते हुए चित्तौड़गढ़ की ओर यात्रा कर सकते हैं। और सवाई माधोपुर से फ्रेंड्स डायरेक्ट हमारी ट्रेन चली अपने टाइम पे, कंटिन्यू चल के कोटा में ही स्टॉप करा, कोटा अपने जैसा नाम से प्रसिद्ध है, कोटा स्टोन जो है पत्थर उसके लिए फेमस है। मिल्क पार्लर भी है दोस्तों यहाँ पे, देखें गर्मी में यार ये सारी चीज़ें काफ़ी लाभदायक होती है यार दोस्तों, देखें यार मिल्क। कोटा से भी निकलते हुए दोस्तों हमारी गाड़ी ये देख सकते हैं कोटा का स्टेशन। अच्छा
देखें चित्तौड़गढ़ मंदसौर से आती हुई ट्रेन। आपने जो स्टेशन देखा वो था भवानी मंडी, और भवानी मंडी स्टेशन की भी काफ़ी मस्त खासियत है यार, क्योंकि आधा स्टेशन जो है वो राजस्थान में है और आधा स्टेशन मध्य प्रदेश में, और हम लोग अब राजस्थान से मध्य प्रदेश में इंटर हो गए हैं। गोरखपुर एक्सप्रेस नागदा जंक्शन। यही अवध एक्सप्रेस के चक्कर में अपनी ट्रेन पीछे हुई यार, बहुत ज़्यादा। इसको उठा के साली को बरौनी तक पटक दिया। फाइनली दोस्तों 509 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद हम लोग आ चुके हैं रतलाम जंक्शन अपने समय से एक घंटा लेट। शाम 5:41 पे दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगाया है रतलाम जंक्शन। दोस्तों ये देखें रतलाम का नज़ारा। ओवरऑल फ्रेंड्स ट्रेन की बात करूँ तो यार काफ़ी शानदार था अनुभव, तो ठीक है कहीं नहीं रुकती, मात्र जयपुर से रतलाम तक में 3 स्टॉप है, लेकिन फ्रेंड्स बीच में आउटर पे इसको काफ़ी टाइम रोका, जहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं थी, लोग दौड़ दौड़ के भाग भाग के यार दोस्तों पानी ला रहे थे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा अगर इसमें सफ़र करना है तो खाना पानी सब आपके साथ होना चाहिए, कोई ई बोट कैटरिंग या कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और ऑल फ्रेंड्स कैसी क्या लगे आपको जर्नी, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।